अब बात कर लेते हैं जो वहां बैठ के रिसेप्शन स्टाफ कह लो या सबसे लोअर ग्रेड में टेक्नीशियन कह लो जो बिल्कुल लर्नर होता है, उसको रिपोर्ट राइटिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर किसी रिपोर्ट राइटर को सपोज एक टाइपिस्ट बैठा दिया आपने लैब में जो रिपोर्ट टाइप कर रहा है, ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन वो रिपोर्ट में देखेगा तो वो कुछ बताएगा नहीं क्योंकि उसको खुद नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे भी अगर आप रिपोर्ट राइटिंग में भी टेक्नीशियन रखते हैं लैब में या आप रिपोर्ट राइटिंग में भी जाते हैं तो आपको किसकी नॉलेज रहती है, नॉर्मल रेंज की। सबसे पहली नॉलेज जो होनी चाहिए वो टेस्ट के नॉर्मल रेंज की होनी चाहिए। दूसरी नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, एक तो हो गई जी नॉर्मल रेंज की, दूसरी नॉलेज डॉक्यूमेंट्स के सिग्नेचर की, कि डॉक्यूमेंट्स में क्या किस किस के सिग्नेचर हो रहे हैं। जो आपके पास एक स्लिप आई, सपोज आज एक सुबह का लॉट लग गया उसमें स्लिप आ गई, तो यहाँ पे साइन होते हैं, तीन साइन होते हैं अपडेट होने से पहले। सबसे पहला साइन होता है जिस टेक्नीशियन ने लगाया, दूसरा साइन होता है सीनियर टेक्नीशियन के जिसने चेक किया, तीसरा जाता है डॉक्टर का जो पैथोलॉजिस्ट देखता है कि हाँ भाई ये सारे रिपोर्टेड ठीक है कि नहीं है, उसके बाद ही वो टाइपिंग के लिए जाती है। मैं स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की बात कर रहा हूं जो एनएबीएल या एनएबीएल लेबोरेटरी होती है, नेशनल एकोमोडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी टेस्टिंग एनएबीएल, उसमें ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले टेस्ट लगाया जाएगा, जो टेस्ट लगाएगा वो साइन करेगा कि भाई मैंने टेस्ट लगाए थे और वो रिजल्ट लिखेगा साथ में। मान लो शुगर का एक लॉट निकला, शुगर का 20 सैंपल का, ठीक है, किसी का 40 आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है, किसी का 120 आ रहा है, किसी का 210 आ रहा है, किसी का 510 आ रहा है, किसी का 310 आ रहा है, तो ये एक टेक्नीशियन ने लगा दिया। सपोज प्रिया ने इसका टेक्नीशियन ये टेस्ट लगाया, सुबह इसके पास सैंपल आ गए, इसने ये टेस्ट लगा दिए। अब ये टेस्ट लगाए तो प्रिया के यहां साइन होंगे, टेस्टेड बाय प्रिया, टेक्नीशियन है उसने ये लगाया। फिर दूसरा कौन साइन करेगा, जो सीनियर टेक्नीशियन है वो चेक करेगा, चेक क्या करेगा, तो इसमें एक सुबह का स्टैंडर्ड भी लगा होगा। अगर हिमेटोलॉजी की बात करते हैं तो सपोज हीमोग्लोबिन ले लेते हैं इसकी जगह, हम हिमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो और आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। भाई एचबी का टेस्ट लग रहा है, ठीक है, मान लो 10 लोगों का टेस्ट लगाया प्रिया ने, यहां पे लैब आईडी है मान लो 01 02 03 04 05 06 07 08 09 और 010, ठीक है, ये लैब आईडी दे रखी है, पेशेंट नेम दे रखा है, कुछ भी दे रखा है पेशेंट नेम एनीथिंग, ठीक है, और इसकी टेस्ट रिजल्ट दे रखा है। तो सपोज पेशेंट वन का आता है 6, पेशेंट टू का आता है 9, पेशेंट थ्री का आता है 12, पेशेंट फोर का आता है 18, पेशेंट फाइव का आता है 7, पेशेंट 6 का आता है 10, फिर पेशेंट 7 का 11, पेशेंट 8 का सपोज फिर 12, पेशेंट 9 का 14, पेशेंट 10 का मान लो 9। तो ये रिपोर्ट्स आ गई। अब ये रिपोर्ट्स हकीकत में सही है या नहीं है, तो आप प्रिया ने क्या किया, जो टेक्नीशियन है उसने स्टार्टिंग में जो 0 नंबर का सैंपल था उसमें इसने एक स्टैंडर्ड या कंट्रोल कुछ भी कह लो आपने इसका चलाया, मशीन में एक कंट्रोल चलाया, हिमेटोलॉजी है तो कंट्रोल चलेगा, एक कंट्रोल सैंपल लगाया। सपोज मॉर्निंग में हाई कंट्रोल लगाया तो हाई कंट्रोल की एक रेंज है, सपोज 20 से 24 की रेंज दे रखी है, तो इसके बीच में अगर आया है रिजल्ट सपोज 22 आ गया तो इसका मतलब आपके ये रिजल्ट ठीक थे, मशीन ने ठीक से काम किया है। और अगर ये कंट्रोल जो चलाया है वो 20 से कम या 44 से ज्यादा आया है तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी गलत है, आपकी मशीन ठीक नहीं है, आपको सबसे पहले मशीन को कैलिब्रेट करना है। तो ये चीज कौन चेक करेगा, ये चीज चेक करता है पहला ने, प्रिया ने साइन कर दिए, जो सीनियर टेक्नीशियन है वो चेक करेगा, वो क्रॉस चेक करेगा किसको, जो कंट्रोल चलाया हुआ है उसको और उसकी गिवन वैल्यू को। और सीनियर टेक्नीशियन क्या चेक करेगा कि भाई ये जो पेशेंट्स हैं इनकी हिस्ट्री क्या हमारे पास लेबोरेटरी में है, ये कहीं आईसीयू पेशेंट तो नहीं है, अगर हॉस्पिटल में टेस्ट हो रहा है तो ये ओपीडी पेशेंट है कि आईपीडी पेशेंट है कि एनआईसीयू पेशेंट है,
तो अगर हॉस्पिटल में लैबोरेटरी है तो ये चीज चेक की जाती है सीनियर टेक्नीशियन द्वारा, अगर आईसीयू का है, एनआईसीयू का है या ओपीडी का भी है, तो उसकी हिस्ट्री, कि उसकी हिस्ट्री में उसका एचबी क्या रहा है, क्यों चेक किया जाता है हिस्ट्री में एचबी क्या रहा है। सपोज सुबह टेस्ट किया था, ठीक है, तो किसी का एचबी आ रहा था 2, उसको ब्लड की यूनिट चढ़ गई, ठीक है, तो उसका एचबी 6 हो गया, तो कैसे हुआ, क्रॉस चेक किया जाएगा ना भाई, कहीं सैंपल तो गलत नहीं आ गया, जो नर्सिंग स्टाफ जो सैंपल लेके आया उसने लेबलिंग तो गलत नहीं कर दी, वो भी तो चेक करोगे, नहीं तो रिपोर्ट गलत हो जाएगी। सपोज सैंपल गलत हो गया था, ब्लड चढ़ा था, ब्लड चढ़ने के सीधा 1 घंटे बाद ही सैंपल ले लिया और उसकी जो रिपोर्टिंग है वो गलत हो गई, तो ब्लेम किस पे आया, टेक्नीशियन पे। तो ये चीज चेक करता है सीनियर टेक्नीशियन, क्लियर हो गया। ये कैसे चेक किया था, वो एक्सपीरियंस पे, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा सीनियर बनता जाएगा और ये सारी नॉलेज उसको होती जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, सीनियर टेक्नीशियन ने टाइप चेक कर दिया, साइन कर दिया कि हाँ भाई रिपोर्ट ठीक है, ओके है, फिर जाएगी डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास जाएगी, अगर उसको कोई डाउट लगता है, सपोज कोई 6 वाला पेशेंट उसको डाउट लगता है, तो ये सैंपल वो रिपीट कराएगा डॉक्टर, चाहे वो मैनुअली कराए चाहे वो ऑटोमेटेड कराए, वो डिपेंड्स ऑन डॉक्टर। जो एमडी पैथोलॉजिस्ट है, जो एमडी है वहां पे, वो इस सैंपल में से किसी को भी रिपीट करा सकता है, उसके पास पावर है, उसके पास ऑथेंटिकेशन है कि वो जिस सैंपल को बोलेगा उसको टेक्नीशियन को दोबारा लगाना पड़ेगा, बना नहीं कर सकता टेक्नीशियन कि नहीं सर मैंने तो लगाया था मेरे हिसाब से तो ठीक है, नहीं, टेक्नीशियन को दोबारा लगाना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे 9 का हो, 12 का हो, 18 का हो, 17 का हो, 7 का हो, 11 का हो, 14 का हो, किसी का भी सैंपल का। तो ये आपका रिपोर्ट राइटिंग को ये सारी नॉलेज होनी चाहिए कि वो बता सके। कभी कभार होता क्या, 20-20 50-50 सैंपल निकल रहे हैं, किसी एक की नजर से छूटा तो दूसरा उसको कैच कर पाएगा, दूसरे से छूटा तो तीसरा कैच कर पाएगा। रिपोर्ट राइटिंग सबसे ज्यादा जो गलत होती है वो होती है ब्लड ग्रुपिंग में। ब्लड ग्रुपिंग सबसे आसान टेस्ट और सबसे खतरनाक टेस्ट कहा जाता है हेमेटोलॉजी का, लगाना बहुत आसान है और रिपोर्ट राइटिंग उतनी ही खतरनाक है। अगर आपने ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को ए निगेटिव लिख के दे दिया ना, तो पेशेंट मर जाएगा अगर उसको सैंपल चढ़ा दिया गया तो। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप टेस्ट जो है वो कंफर्म करके लेना चाहिए, रिजल्ट बोलने से पहले 100 बार सोच लो और 200 बार देख लो कि हाँ कंफर्म है कि नहीं है, लुटिया डूब जाएगी, नहीं तो टेक्नीशियन की डिग्री फाड़ के जेल में भेज दिया जाएगा। चलो जॉब सपाट, लेकिन ध्यान देना होता है ब्लड ग्रुप में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स देखी जाती है, उसका रीजन होता है कि जो लर्निंग टेक्नीशियन होता है उसको समझ में तो आ जाता है, हाँ भाई हमने क्या किया, नॉर्मली लैब में बता रहा हूं, स्लाइड लिया, 3 स्लाइड ले ली, ठीक है, और क्या किया, सैंपल डाला, एग्लूटिन वो रिएजेंट डाला, एंटी ए डाला, एंटी बी डाला, एंटी डी डाला, रिएजेंट देखी, एग्लूटिनेशन दिख गया जी, बोल दिया सीधा, पता लगा एग्लूटिनेशन इसमें डी में दिखा नहीं, और जब उसने रिजल्ट बोल दिया उसके ठीक 30 सेकंड बाद इसमें एग्लूटिनेशन दिख गया और हो गया रिजल्ट गड़बड़। तो कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है, इसका प्रोसीजर याद करना जरूरी होता है। अब इसमें भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं, अगर आप उसका लगाते हो, किसी बेबी का लगाते हो, ठीक है, इन्फेंट जिसे हम बोलते हैं, तो इन्फेंट का लगाते हो, तो इन्फेंट में क्या है, लेस देन 1 ईयर के बच्चे का लगा रहे हो आप, यानी मंथ्स में जो बच्चे हैं, वीक्स में जो बच्चे हैं, डेज में जो बच्चे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हो, सेल वॉश का प्रोसीजर किया जाता है। ब्लड ग्रुप लगाने में पूल सेल का यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल वाला पूल नहीं है ये, पूल सेल बनाया जाता है, वॉश किया जाता है सेल को। तो ये जिसमें ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप आप लोगों ने किया होगा एक ही बस स्लाइड से, वो 2 टाइप में किया जाता है, फॉरवर्ड और रिवर्स FR, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुप का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आपको ये भी बताएंगे। तो हिमेटोलॉजी में और आगे बढ़ते हैं, तो ये पार्ट था आपका लेबोरेटरी से रिलेटेड का। उसके बाद पढ़ते हैं हिमेटोलॉजी में इंस्ट्रूमेंटेशन, आज लास्ट क्लास है हिमेटोलॉजी की, कोशिश करूंगा कि सारा कुछ कवर कर ले जो हमने डे 1 से पढ़ा है, इसके बाद इंट्रोडक्शन फेज नहीं होगा, इसके बाद सीधा आपका
जो पार्ट होगा आरबीसी रेड ब्लड सेल से शुरू किया जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन लिए थे हमने? सबसे पहले ग्लासवेयर भाई, कांच के सामान ग्लासवेयर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन से। उसके बाद ऑटोमेशन यानी एनालाइजर, और इंस्ट्रूमेंटेशन में और क्या आते हैं? और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स आता है? दो ही टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, आइदर वो ग्लासवेयर के अंदर आएगा या वो एनालाइजर के अंदर आएगा। सिर्फ दो ही टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेबोरेटरी में, आइदर वो ग्लासवेयर की कैटेगरी में आ जाएगा या एनालाइजर की कैटेगरी में आ जाएगा। पिपेट्स, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स, माइक्रो पिपेट, माइक्रो पिपेट में भी ग्लास के आते हैं, या आपके माइक्रो पिपेट जो क्वार्ट्ज के बने होते हैं, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो पिपेट आए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो एनालाइजर के अंदर में अभी आ गया इंस्ट्रूमेंट्स। भाई एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ही तो है इलेक्ट्रॉनिक पिपेट, क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसमें कोड किया, 20 माइक्रोलीटर टाइप किया, ओके किया, जैसे क्लिक बटन दबाया उसने 20 माइक्रोलीटर ले लिया, तो क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का एनालाइजर हो गया। सेल काउंटर एक तरीके का एनालाइजर है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर नाम ही आ गया एनालाइजर, कलरीमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक तरीके का एनालाइजर है, एनालाइज कर रहा है चीजों को, बता रहा है। एनालाइजर मतलब क्या है? किसी चीज को देखना और उसका रिजल्ट देना, ठीक। और ग्लासवेयर क्या है? वो कांच के सामान जो हम नॉर्मल यूज करते हैं लेबोरेटरी में, जैसे फ्लास्क है, चाहे वो कोनिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो, चाहे नॉन वॉल्यूमेट्रिक हो। पिपेट्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, नॉन वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, ग्लास रॉड, मिक्सिंग रॉड, पेट्री प्लेट्स ग्लास की भी आती है, क्वार्ट्ज की भी आती है। तो ग्लासवेयर हो गया, आइदर एनालाइजर, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इंस्ट्रूमेंटेशन को। अब जो मेजर मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खाली उसी की अभी मैं बात करूंगा। सबसे पहला मेजर इंस्ट्रूमेंट हांजी प्रिया जी कहां खो रहे हो, क्या है सबसे पहला और मेजर इंस्ट्रूमेंट? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपकी पूरी लेबोरेटरी टिकी हुई है, कहते हैं ना नींव नींव है ये लेबोरेटरी की नींव, बीम है, वो बीम है जो जमीन में खुदी हुई रहती है, जो खड़ा करके रखती है लेबोरेटरी को। अगर माइक्रोस्कोप ना हो तो बहुत सारे टेस्ट के बारे में पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि पूरी हिमेटोलॉजी का जो सेल है जिससे हमें चीजें पता लगती है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही किया जाता है, चाहे वो काउंटिंग हो, चाहे वो उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी हो, चाहे वो उसकी फंक्शनल स्टडी हो, वो सारी आपकी माइक्रोस्कोप से ही की जाती है। रिएक्शन हो रही है माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखोगे, माइक्रोन लेवल का अगर देखना हो तो कैसे सेल आपस में जुड़ रहे हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे, सेल काउंट करना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए, सेल की शेप साइज देखनी है तो माइक्रोस्कोप चाहिए। तो माइक्रोस्कोप क्या है? सबसे मेजर यूज होने वाला हेमेटोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है। पूरी सीबीसी आप माइक्रोस्कोप के बिना कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। ऑटोमेटिक एनालाइजर से कर सकते हो, उसमें भी आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। मान लो प्लेटलेट आ गई कितनी, 5.5 लाख, बिना माइक्रोस्कोप के देख के आप कंफर्म कर दो कि हाँ जी 5.5 लाख प्लेटलेट है, भेज दो। कोई डॉक्टर नहीं करेगा, सबसे पहले कहेगा माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना के दिखाओ मुझे प्लेटलेट की। टेक्नीशियन को बोलेगा प्लेटलेट स्लाइड बनाओ, मैं चेक करूंगा। न्यूबर चैम्बर में प्लेटलेट स्लाइड बना के टेक्नीशियन ला के देगा,
इमीडिएटली डॉक्टर चेक करेगा, या जो सीनियर टेक्नीशियन है वो देख के चेक करेगा, वो बताएगा।